और ये देखिए दोस्तों, लग रही है ना एकदम ढाबा जैसी सब्जी। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है ढाबा स्टाइल मशरूम मसाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम तेल को गरम कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे। मैं इसमें एक प्याज को एकदम बारीक काट कर डाल रही हूँ। तो एक बड़े साइज की प्याज को एकदम फाइन चॉप कर लेना है आपको। एक दो हरी मिर्च काट के डाल लीजिए और प्याज को एकदम सुनहरा होने देना है हमें। अब हम इसमें एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। तो ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो चुका है, कैरमलाइज हो चुकी है। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल रही हूँ। शिमला मिर्च को भी साथ में भून लेंगे हम। अब इसमें पड़ेंगे सूखे मसाले। तो ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाला है मैंने। दोस्तों, सारी सामग्री मैंने माप सहित वीडियो के अंत में दी है, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। इसे भी बढ़िया भून लीजिए और गैस की फ्लेम को एकदम लो ही रखना है हमें, ताकि मसाले जले ना। अब मिला लेते हैं नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए और अच्छी तरीके से हमें इस मसाले को भूनना है। तो मसाला बढ़िया भून चुका है। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। तो दो मीडियम साइज के टमाटरों को बारीक पीस कर फिर मिला लीजिए इसे। अब हमें टमाटरों को भी अच्छे से पकाना है, तो कवर कर देते हैं और इसका तेल अलग होने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, टमाटरों पे से अब ऑयल दिख रहा है, मतलब कि मसाला बढ़िया भून चुका है। तो अब इसमें हम मिलाएंगे मशरूम। तो मैंने मशरूम्स को पहले ही धोकर काट लिया था और मशरूम साफ करने के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मशरूम को अच्छे से मिक्स कर लीजिए मसाले में और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी डाल रही हूँ। बस अब कवर कर दीजिए और धीमी आंच पर इसे पकने दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मशरूम में से जितना पानी निकला है उसी में ये मसाला जो है वो पक रहा था और मशरूम भी हमारे लगभग गल चुके हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे और भून सकते हैं या फिर इसी तरह से गाढ़ी ग्रेवी रख सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर काजू का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये मैंने एक टेबल स्पून भरकर काजू का पाउडर डाला है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें आधा ग्लास पानी डालकर एक उबाल आने दीजिए। अब तो कवर कर देते हैं और धीमी आंच पर उबलने देते हैं। और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है। मशरूम भी गल चुके हैं और मसाला भी बढ़िया पक चुका है। इसे हरे धनिया से गार्निश कर लीजिए। गर्मा गर्म सर्व कीजिए फुलके, चपाती, पराठों के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों, ट्राई कर जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।